तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ब्रांड न्यू कैमरा कंपैरिजन बिटवीन द रियलमी नार्जो 50 एंड द वीवो T1 5G। वीवो से इस वक्त मैं ये एंकर लिंक का पहला पोर्शन शूट कर रहा हूँ। मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि ऑडियो कैसी आ रही है एंड ऑडियो क्वालिटी आपको कैसी लग रही है। तो इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोनों फ़ोन्स के कैमरा स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ देन रियलमी नार्जो 50 में आपको 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है एंड द सेम गोज फॉर द वीवो T1 5G। दोनों फ़ोन्स के सेल्फी कैमराज की सारी जानकारी एंड वीडियो रिकॉर्डिंग की भी जानकारी आपको मिल जाएगी इस वक्त अपने स्क्रीन पर एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं इस वीडियो को। डेलाइट शॉट से स्टार्ट करें देन यहां पर फर्स्ट कंपैरिजन में मुझे वीवो T1 पर कलर्स ज्यादा एक्यूरेट लगे। प्लांट्स, बेंच, बिल्डिंग, हर चीज का कलर यहां पर काफी एक्यूरेट है। नार्जो 50 ने कुछ डार्क एरियाज में एक्सपोजर को इम्प्रूव किया है लेकिन ओवरऑल यहां पर कलर्स थोड़े से फेडेड लग रहे हैं। 100% जूम करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ वीवो T1 पर शार्पनेस थोड़ी सी बेटर है। 2x जूम इनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं कि नार्जो 50 ने वार्म टोन्स में इमेज को क्लिक किया है जबकि वीवो T1 पर कलर टोन काफ़ी बैलेंस्ड है एंड ज़्यादा ट्रू टू सोर्स रिप्रोडक्शन आपको मिलता है। डिटेल्स का लेवल दोनों इमेजेस में सिमिलर है। 50 मेगापिक्सल मोड ऑन करने के बाद हमें शार्पनेस और डिटेल्स के मामले में नार्जो 50 पर थोड़ा सा बेटर रिजल्ट मिलता है। जूम करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि सेंटर शार्पनेस इज स्लाइटली बेटर बट कॉर्नर शार्पनेस इज मच बेटर ऑन द नार्जो 50। अदरवाइज कलर डिस्पैरिटी का इशू यहां पर नहीं है इन बोथ दी इमेजेस। कलर रिप्रोडक्शन का एक और एग्जांपल मैं दूं देन यहां पर आप देख सकते हैं कि स्विंग्स का कलर वीवो T1 ने ज्यादा एक्यूरेटली कैप्चर किया है। स्पेशली सीसॉ की सीट का कलर वीवो T1 पर बिल्कुल एक्यूरेट है जबकि नार्जो 50 ने इसे सैचुरेट कर दिया है। रेयर पोर्ट्रेट्स की बात करें देन क्लियरली यहां नार्जो 50 बेटर है। वीवो T1 यहां सब्जेक्ट को ठीक से फोकस नहीं कर पाया तो बैकग्राउंड सेपरेशन तो खैर दूर की बात है और कलर रिप्रोडक्शन यहां दोनों ही फोन्स पर ट्रू टू सोर्स नहीं है। सब्जेक्ट का रियल एक्चुअल रेड कलर दोनों फोन्स कैप्चर नहीं कर पाए। कमिंग टू क्लोजअप्स देन यहां फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ही इमेजेस में बोके इफेक्ट काफी नेचुरल है। कलर रिप्रोडक्शन इज वंस अगेन बेटर ऑन द वीवो T1 लेकिन जूम करने के बाद आप देख सकते हैं कि नार्जो 50 ने फ्लावर को ज्यादा अच्छे से फोकस किया है बिकॉज ऑफ विच आपको बेटर शार्पनेस और डिटेल्स मिलती हैं। मैक्रो मोड ऑन करने के बाद मुझे इस फर्स्ट कंपैरिजन में नार्जो 50 का रिजल्ट बेटर लगा। वीवो T1 में इमेज कुछ ज़्यादा ही सैचुरेट हो गई है और यहाँ शार्पनेस नार्जो 50 के कंपैरिजन में अच्छी नहीं है। सेम गोज फॉर द सेकंड कंपैरिजन, यहाँ भी नार्जो 50 वाला रिजल्ट मुझे बेटर लगा है बिकॉज ऑफ बेटर कलर रिप्रोडक्शन एंड स्लाइटली बेटर डिटेल्स। इंडोर कंडीशंस में मुझे दोनों ही फोन से ज़्यादा इंप्रेसिव रिजल्ट्स नहीं मिले बट इन दिस पर्टिकुलर कंपैरिजन मैं चूज करूंगा नार्जो 50 को बिकॉज यहाँ पर कुछ एरियाज में एक्सपोजर थोड़ा सा बेटर है एंड कलर प्रोडक्शन भी बेटर है बट अदरवाइज ओवरऑल यहाँ हमें कोई खास बढ़िया फोटोज नहीं मिलती। लो लाइट कंडीशंस में विदाउट नाइट मोड आपको सिमिलर रिजल्ट मिलता है फ्रॉम बोथ द फोन्स। सिर्फ एक डिफरेंस है कि वीवो T1 ने बिल्डिंग के कलर को एक्यूरेटली कैप्चर किया है। नाइट मोड ऑन करने के बाद हमें नार्जो 50 पर बेटर एक्सपोजर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, बेटर शार्पनेस भी मिलती है। लाइट फ्लेयर कंट्रोल दोनों ही इमेजेस पर सिमिलर है लेकिन कलर रिप्रोडक्शन इस बार भी वीवो T1 पर बेटर है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको इनमें से कौन सा नाइट मोड रिजल्ट बेटर लगा है। टॉकिंग अबाउट रेगुलर डेलाइट सेल्फीज देन यहाँ इस कंपैरिजन में मैं चूज करूंगा नार्जो 50 को बिकॉज ऑफ मोर एक्यूरेट फेशियल टोन्स एंड बेटर फेशियल डिटेल्स। वीवो T1 वाली सेल्फी में एक ऑरेंज टिंट मौजूद है और जूम करने के बाद आपको फेशियल डिटेल्स का डिफरेंस भी क्लियरली नजर आएगा। प्लस यहाँ नार्जो 50 वाली इमेज में एक्सपोजर कंट्रोल भी बेटर है बट जब बात आती है पोर्ट्रेट सेल्फीज की देन मैं यहाँ पर वीवो T1 के साथ जाऊँगा बिकॉज यहाँ पर जो कटआउट है वो ज़्यादा शार्प और एक्यूरेट है। सब्जेक्ट के लेफ्ट साइड पर जूम करके आप ये बात नोटिस कर पाएंगे। लास्टली व्हेन इट कम्स टू लो लाइट सेल्फीज देन मैं यहाँ पर चूज करूंगा नार्जो 50 को विद एंड विदाउट नाइट मोड। दोनों केसेस में हमें नार्जो 50 पर बेटर रिजल्ट मिलता है कंपेयर टू द वीवो T1। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ वीडियो सैंपल्स। तो दोस्तों मैं शूट कर रहा हूँ 1080p 30fps फ्रॉम द वीवो T1 5G। मुझे कॉमेंट्स में आप बताइए कि कैसी लग रही है आपको वीडियो क्वालिटी क्योंकि स्टेबलाइजेशन तो यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फुटेज काफ़ी शेकी दिख रही है मुझे इन द व्यू फाइंडर। बाकी कलर्स यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, वेरी ट्रू टू सोर्स। स्पेशली जो बिल्डिंग का कलर है वो बहुत ट्रू टू सोर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है बट अगेन स्टेबलाइजेशन इज़ एन इशू। आपको मैं डायनामिक रेंज कंट्रोल का आइडिया दे देता हूँ। पैनिंग और टिल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑडियो कैसी आ रही है ये आप मुझे बताइएगा। यहाँ पे आप 1080p 60fps पर भी शूट कर सकते हैं ऑन द वीवो T1 5G। स्टेबलाइजेशन तो यहाँ पर अच्छा नहीं है ऑल राइट। तो अब मैं शूट कर रहा हूँ 1080p
30 FPS from the Vivo T1 5G. एंड वंस अगेन स्टेबलाइजेशन यहाँ पे भी रेयर कैमरा की तरह स्टेबलाइजेशन यहाँ पे अच्छा नहीं है. एंड अनलाइक द रियलमी नार्जो 50, यहाँ पर इस फ़ोन की जो ब्राइटनेस है वो कम नहीं होती वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त. बट यस, बैकग्राउंड थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, आई थिंक सो, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर कंट्रोल. हाँ, सिमिलर ही है, सिमिलर एक्सपोजर कंट्रोल हमें देखने को मिल रहा है. पैन और टिल्ट में तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताइए व्हाट आर योर थॉट्स. स्टेबलाइजेशन डेफिनेटली रियलमी नार्जो 50 पर बेटर है. और वीडियो क्वालिटी आपको किस में अच्छी लग रही है, ऑडियो किस में बेटर लग रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट्स. तो दोस्तों, अब मैं शूट कर रहा हूँ 1080p 30 FPS ऑन द रियलमी नार्जो 50. और सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेबलाइजेशन अच्छा है. द स्टेबलाइजेशन इज़ इम्प्रेसिव. आई मीन वीवो T1 5G की फुटेज से तो मुझे बेटर ही लग रहा है. और अभी मैंने यहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन मोड है उसे ऑन नहीं किया है. सो दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट मोड जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. और आप देख सकते हैं कि स्टेबलाइजेशन यहाँ पे बेटर है कम्पेयर टू द वीवो T1 5G. कलर्स यहाँ पे सैचुरेटेड निकल कर आ रहे हैं. मैं आपको डायनामिक रेंज का आइडिया दे देता हूँ. और जो फुटेज है वो भी मुझे थोड़ी सी जूम्ड इन लग रही है. बाकी पैन्स और टिल्ट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर. बट यस, द फुटेज इज़ वेरी लाइक मोर स्टेबलाइज्ड कंपेयर टू द वीवो T1 5G. ऑडियो कैसा आ रहा है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. So guys, now I am shooting from the front camera of the Realme Narzo 50 at 1080p 30 FPS. आप front camera से 1080p 30 FPS shoot कर सकते हैं. Let me know in the comments what are your thoughts. थोड़ा सा background blown up, मतलब overexposed आ रहा है. But आप मुझे comments में बताइए क्या ख्याल है आपका. और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि Narzo 50 पर जब आप video shoot करते हैं तब screen brightness अपने आप डाउन हो जाती है इन ऑर्डर टू सेव बैटरी. तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सपोजर कंट्रोल किस तरह का है. बैकग्राउंड ब्लोन आउट हो रखा है बट स्टिल थोड़ी थोड़ी डिटेल्स यहाँ पर विजिबल हैं. स्टेबलाइजेशन मोड मैंने यहाँ पर अभी ऑन नहीं किया है बट बाय डिफ़ॉल्ट मुझे यहाँ पर स्टेबलाइजेशन ठीक ठीक लग रहा है. ऑडियो कैसी आ रही है ये आप मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ. तो दोस्तों, ये था फुल कैमरा कंपैरिजन बिटवीन द वीवो T1 5G एंड द रियलमी नार्जो 50. यहाँ पे मैं ये जो लास्ट का एंकर लिंक वाला पोर्शन है ये अब मैं नार्जो 50 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो आप मुझे वंस अगेन कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सी क्वालिटी, कौन से कैमरा की ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी आपको बेटर लग रही है. तो यहाँ पे इस कंपैरिजन में हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में अगर आपको कलर रिप्रोडक्शन बढ़िया चाहिए तो आपको वीवो T1 के साथ जाना चाहिए. लेकिन अगर आपको लेट्स से 50 मेगापिक्सल फोटोज़ क्लिक करनी है और उनमें अगर आपको बेटर शार्पनेस और डिटेल्स चाहिए देन आप यहां पर जा सकते हैं Realme Narzo 50 के साथ. प्लस यहां पर Realme Narzo 50 की जो वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी बेटर हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजेशन. कलर रिप्रोडक्शन आपको कौन सा बेटर लगा है ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. और सेल्फीज़ में भी यहां पर Realme Narzo 50 बेटर है. लो लाइट में आपको कौन सी फोटोज़ अच्छी लगी लेट अस नो दैट इन द कमेंट्स. एंड अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर ज़रूर टैप कर दें. And help us to cross 2 lakh subscribers on Mr. Phone Hindi. हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. Take care of yourself. Goodbye and stay safe.